नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनाकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात, वो है एसएससी सीजीएल में इकोनॉमिक्स में हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए, इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या होता है, कौन सा टॉपिक इकोनॉमिक्स में कवर करना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आए हैं और क्या ट्रेंड बन रहा है, ये सारी जानकारी हम इस प्रेजेंटेशन में करेंगे। दिस प्रेजेंटेशन इज अवेलेबल इन हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। दो स्टूडेंट हु वांट टू वॉच प्रेजेंटेशन इंग्लिश मीडियम, देर इज अनदर प्रेजेंटेशन विच इज इन कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम, दे कैन रेफर दैट प्रेजेंटेशन, बट दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन इज इन हिंदी मीडियम। सो दो स्टूडेंट हु वांट टू वॉच हिंदी मीडियम प्रेजेंटेशन, दिस इज द प्रेजेंटेशन दैट दे कैन लुक फॉर। नाउ जो इसका एजेंडा होगा इस प्रेजेंटेशन का, वो ये होगा ये समझना कि किस तरह से पिछले कई सालों से इकोनॉमिक्स है ज्यादातर स्टूडेंट एक टफ टॉपिक के रूप में मानते हैं, और इस बात की भी संभावना क्योंकि लॉजिकल सब्जेक्ट ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज स्टूडेंट के सामने तब आना स्टार्ट होता है जब उनको यह पता नहीं क्वेश्चन कहां से आया, क्योंकि आमतौर पर जो किताब मार्केट में अवेलेबल होगी बाजार में जहां वहां से जब तैयारी करते हैं तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता ये क्या हो गया। लेकिन अगर सिस्टमेटिकली इसको फॉलो किया जाए कि कौन से पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये काम थोड़ा आसान हो सकता है। आज हम उसी भी विषय पे करते हैं, हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इसको समझने की कोशिश करो तो ये सबसे ज्यादा आसान टॉपिक होगा। तो हम देखते हैं कि अगर पहले सबसे पहले इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम अपनी रिसर्च बता रहे हैं कि इस पे जो रिसर्च की गई है वो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहां से क्वेश्चन आए हैं वो हम देखेंगे। तो आमतौर पे 5 से 6 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम 5 से 6 क्वेश्चन है, वो हर बार एग्जाम में आते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर इसमें जो हमने स्टडी की है वो उसमें यही निकल कर आया है कि 5 से 6 क्वेश्चन लगभग आपको इकोनॉमिक्स से आएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है, फिर एक तो इसका रेंज बहुत वास्ट ज्यादा है, क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं वो हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां कहां से आप किस तरह के विषयों की तैयारी ज्यादा करें तो ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। स्टूडेंट के दिमाग में एक चैलेंज और होता है कि इसका कोई सिलेबस नहीं होता। हम देखेंगे कि अगर हम सिलेबस बनाने की कोशिश करें इसका तो क्या सिलेबस बनेगा, हम इसका इस प्रेजेंटेशन में सिलेबस बनाएंगे तो देखेंगे क्या सिलेबस बनेगा और कौन सी किताब पढ़े तो आपको फायदा हो सकता है। जो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स ने एसएससी का पिनेकल का कोर्स ज्वाइन किया ऑनलाइन कोचिंग बैच, उनको ये अभी लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाली है इस पे इकोनॉमिक्स पे 30 लेक्चर्स जो आप देखेंगे वो उसका तो पार्ट होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कोई पिनेकल की ये ऑनलाइन कोचिंग बैच ज्वाइन नहीं किया है, हार्ड ड्राइव कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और वो करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, जिससे कि इस पूरी प्रेजेंटेशन का वो लाभ उठा सकते हैं। वरना इसमें जो लेक्चर्स होंगे वीडियो लेक्चर्स और जो पीडीएफ फाइल्स होंगी उससे एसोसिएटेड, उसका लाभ उन्हीं को ही मिलेगा जो पिनेकल के स्टूडेंट होंगे ऑनलाइन कोचिंग बैच, या जो एक अलग से ही इकोनॉमिक्स का कोर्स भी है, अगर हमारी वेबसाइट पर जाएंगे आप www.ssccgl.pinnacle.com वहां पे 80 प्रोडक्ट के नाम से प्रोडक्ट मिलेंगे, वहां पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर्स होगा, वीडियो लेक्चर कोर्स, तो उस वो खरीदने के बाद इसका हिस्सा बन जाएंगे। तो देखते हैं कि जो हमने रिसर्च की उसमें क्या पाया और रिसर्च का आधार क्या है। 13 प्रीवियस ईयर टेस्ट है, एक एक क्वेश्चन के ऊपर स्टडी किया गया और ये स्टडी है आगे आपके सामने आएगी अभी, और ये 13 जो पेपर लिए है 3 ईयर्स पिछले 3 साल में जो है 19 में से लिया गया है, इसका मतलब बहुत ज्यादा नया ट्रेंड है ये, वो
पुराने पेपर्स नहीं लिए गए, जिससे कि हमें पता चले कि अभी क्या एसएससी पूछना चाहता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन वाइज डिटेल एनालिसिस किया गया, हर क्वेश्चन को यह देखा गया कि कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, वो मार्किंग टॉपिक अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर टॉपिक हर क्वेश्चन के अगेंस्ट हमने मार्किंग की कि ये इस टॉपिक का बनेगा। उसके बाद हम इसमें आपको लाइव एनालिसिस भी दिखाएंगे, वो कि कैसे एनालिसिस उसमें हुआ है, कौन कैसे रिसर्च हमने की और आखिर में क्या नतीजा निकला, वो सारी चीज़ इसमें देखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद टॉपिक पहचाने गए, डेवलप स्टडी मटेरियल बेस्ड ऑन रिसर्च, और इसी जो प्रेजेंटेशन चलेगी और टॉपिक हम देखेंगे उसके ऊपर फिर स्टडी मटेरियल होगा रिसर्च के बाद। तो इससे ये पता चलेगा कि हम एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो देखिए जो, और इस दौरान 75 जैसे मैंने बोला कि 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन आए टोटल, और 13 पेपर्स में से ये क्वेश्चन 35 बन रहे, 75 बन रहे हैं पिछले 3 साल में जो आए हैं, अलग अलग टाइप के सारे पेपर हमने इकट्ठे किए, 13 पेपर और 75 क्वेश्चन उसमें से इकोनॉमिक्स से लेकर निकल कर आए। तो अब वो देखते हैं कि 75 क्वेश्चन कौन से हैं। आप, मैं उम्मीद करता हूं पूरी प्रेजेंटेशन देखिए, अब ये मत देखिए कि 75% चलो ठीक है ये 75 होंगे चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे ही आपको बहुत सारा अंदाजा हो जाएगा। जब आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके आगे टॉपिक और पोर्शन लिखा मिलेगा, और मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक कहां होगा। अगर आप वैसे बिना पिनेकल ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर पिनेकल नहीं ज्वाइन करना चाहते कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक वहां से पढ़ सकते हैं। देखिए फ्रेंचाइजिंग, आमतौर पर क्या होता है, जो फ्रेंचाइजिंग है ये आप अखबारों में भी पढ़ते हो, फ्रेंचाइजी या बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन ये आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वहां पे इसका एक वर्ड आता है फ्रेंचाइजी मार्केटिंग। आप बोलते हैं मार्केटिंग एक पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, या आप बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट का चैनल होता है स्पेशली, जैसे कि मैकडोनल्ड में ये पिज्जा की फ्रेंचाइजी है, या बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स की फ्रेंचाइजी होती है आप देख सकते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में रखकर मार्केटिंग। ये आपको अखबारों में या डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, और वरना अगर वैसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से पढ़े तो आप ये जितने आगे जिक्र आएगा उसका उसमें कवर होगा। देखो प्लस टू में जब आप जाएंगे तो वहां पे दो होती है किताबें, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ज्यादातर चीजें यहां पे जो लिखी हुई है आप देखेंगे कि सारी ज्यादातर चीजें हैं वहां से कवरेज है। तो एसएससी है वो मोटे तौर पे आप बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, और ये साइंस में भी करता है और इकोनॉमिक्स में भी आप देख सकते हैं। द स्टडी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज अल्टरनेटिव कॉल्ड द थ्योरी ऑफ, मैं ये नहीं जा रहा कि इसके ऑप्शन क्या है या आंसर क्या है, वो आपको जो पीडीएफ भेजी जाएगी जब या आपके पास जो पीडीएफ अवेलेबल है जो हमारे एमसीक्यू है आपके पास, उसमें ये सारे ऑप्शन भी है और उनके आंसर भी है, लेकिन यहां पे सिर्फ क्वेश्चन उठाए गए हैं, सिर्फ यहां पे क्वेश्चन उठाए गए ताकि पता चले कि क्वेश्चन क्या और कहां से लिया गया। ये एजेंडा सिर्फ ये आंसर बताना है, इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य नहीं है। स्टडी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड द थ्योरी ऑफ, ये चैप्टर प्राइसिंग से रिलेटेड है, और प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, और ये 12th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी वा सेट अप इन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। जब हम इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, हम इसका अलग टॉपिक दे दिया हमने इंस्टीट्यूशन, आपको हर इकोनॉमिक्स की किताब में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, आपको अलग से कोई ऐसी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी रिसोर्स एलोकेशन डिटरमाइंड बाय, ये जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स होती है, जो फ्री इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये आप इस तरह की चीजें आमतौर पर जो यूपीएससी के स्टूडेंट तैयारी करते हैं यूपीएससी में इकोनॉमिक्स तैयारी करते हैं। हालांकि एसएससी की इकोनॉमिक्स थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कि डिफरेंट है, लेकिन कुछ पोर्शन तो सेम है, और उसमें रमेश सिंह टाटा मेघना हिल है वो किताब यूज करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, आप उसमें देख सकते हैं नंबर वन। उसके बाद 11th क्लास में जो एनसीईआरटी किताब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको वहां पे मिलेगा ये सारे टॉपिक। बायर एंड सेलर विल हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मार्केट,
ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है एक मार्केट, उसमें एक टाइप ऑफ मोनोपोली मार्केट ये सारी चीजें होती है, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया। नेम ऑफ द कॉमन करेंसी लॉन्च्ड बाय द मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये इंस्टीट्यूशन अगर स्टडी करेंगे आप, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी आएगा, वर्ल्ड बैंक भी आएगा, येन भी आएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आएगा, ये सारी चीजें जब करेंगे, येन जो करेंसी की बात कर रहा हूं मैं, जो करेंसी आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आएगी, IMF वगैरह, तो एक इंस्टीट्यूशन वो भी आएगा जिसमें यूरोपियन यूनियन होंगे, और वहां पे यूरोपियन यूरो जोन है, यूरोपियन यूनियन है, उनमें क्या फर्क होता है ये पीछे काफी चर्चा में रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सिस कॉल्ड ट्रेजडी ऑफ कॉमन इट वॉज प्रोबाउंडेड बाय, ये जो क्वेश्चन है ये हमने इसका टॉपिक बनाया है थ्योरी, इस राइट वाले थ्योरी, और ये जो फेमस थ्योरी है जो आपको 10-12 कम से कम थ्योरी होनी चाहिए आपके पास में, और उसमें से एक ये क्वेश्चन बनेगा, 10-12 थ्योरी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा, इंटरनेट में देखो 3-5-7 तो चीजें ये जरूर है जो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, और बाद में हम ये डेवलप कर रहे हैं कि फेमस थ्योरी, फेमस बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, फेमस इकोनॉमिस्ट, ये आपको कम से कम 10-10 आपको पता होना चाहिए, और फेमस कोट, कई बार ये भी आदमी ये बात किसने बोली, फेमस कोट्स, ये सारी चीजें इसमें पता होनी चाहिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्रीब्यूटेड बाय सर्विस सेक्टर इन द पास्ट, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उसका उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में जानकारी इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस प्लस वन NCERT वहां से भी ले सकते हैं, और ये रमेश सिंह टाटा मेघरा हिल TMH पब्लिकेशन का भी अच्छी बुक है, UPSC के स्टूडेंट यूज करते हैं, लेकिन काफी डिटेल में है, आपको उतनी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, और न ही उन लोगों को जरूरत है बहुत सारी चीजें पढ़ने की जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कुछ पोर्शन प्लस हिंदू का पोर्शन वहां पे यूज कर सकते हैं। एनीवे हम UPSC नहीं, हम SSC बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कोल्ड, ये एक लोग आपने हमारी कई प्रेजेंटेशन है ज्योग्राफी से रिलेटेड, वहां पे भी बार बार जिक्र आ रहा है इसका, वहां पे सुना होगा, और ये पॉपुलेशन इकोनॉमी इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे भी जिक्र है इसका डेमोग्राफी के बारे में, और पॉपुलेशन के हर चैप्टर में और इकोनॉमिक्स में आपको हर किताब में मिल जाएगा। हु आर द हेड ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन, इंस्टीट्यूशन की बात की, SSC इंस्टीट्यूशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन जरूर पूछती है, तो इंस्टीट्यूशन में भी ये भी पूछा गया। फिर आता है 11th क्वेश्चन, इन इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल एस्टेब्लिश टू एनहांस, ये देख रहे हैं पिछले 3 साल में लोगों के दिमाग में ये होता है कि स्कीम पता होनी चाहिए, पिछले 3 साल में 13 पेपर के एनालिसिस में 75% एक भी स्कीम का नाम नहीं है, और इस बात की कोई ज्यादा संभावना नहीं है, स्कीम पे बहुत ज्यादा SSC कोई करंट क्वेश्चन नहीं पूछती ज्यादा, आपकी जानकारी लिए बता देते हैं कि SSC का पूरा 50 क्वेश्चन में ही 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे मुश्किल से, तो जो लोग करंट जीके पे ध्यान देते हैं उनको लगता है उससे फायदा होगा, SSC ज्यादा नहीं है, आपको स्टैटिक जीके और टेक्स्ट बुक पढ़े तो सबसे ज्यादा फायदा होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी जो 75 क्वेश्चन उसमें 2-3 क्वेश्चन आए, तो आप बोल सकते हैं कि अपने आपने टॉपिक बना दिया हमने। फिर है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड, डिमांड के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है डिमांड, और डिमांड है ये आप टॉपिक है जैसे मैंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, या जो नेट की किताब होती है इकोनॉमिक्स की उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके MCQ भी होते हैं वहां से भी कर सकते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूं मैं जो पिनेकल का कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते, अगर ज्वाइन करेंगे तो हम लोग इसको पूरी फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, आपको अलग से कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, जो बोला गया वही कर सकते हैं आप। एक्सटर्नलिटी थ्योरी इज द बेसिक थ्योरी ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये जो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होती है आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहां पे इंटरनेट पे भी सर्च मारेंगे गूगल पे तो ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत सारी आएंगी, वो आपको जितनी ज्यादा ब्रांचेज आप कर सकते हैं वो करने की कोशिश कीजिए, उसी से भी कई क्वेश्चन निकलते हैं, कम से कम 75% में 3-4 क्वेश्चन इसी के आगे पीछे घूमे हैं, तो इसलिए हमने इसको एक ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स उसको एक अलग से टॉपिक बना दिया। फंक्शनल फाइनेंस ये भी ब्रांचेज में भी है और ये थ्योरी से रिलेटेड है, फेमस थ्योरी है ये फंक्शनल फाइनेंस से रिलेटेड, तो जो आप फेमस थ्योरीज की बात करेंगे फेमस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन सी है उसमें से एक जिक्र आएगा इसका। फिर SEZ पे दोबारा क्वेश्चन आ गया सेम पैटर्न पे अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड। फिर आता है मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस, हालांकि ये करंट से रिलेटेड है क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि शायद ही कोई क्वेश्चन हो उसमें से एक ऐसा लग रहा है कि करंट से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ करंट से रिलेटेड
कम, क्योंकि देखो 2015 या 14 में पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन 2012 से लेकर और एसएससी बड़ा सरप्राइज करती है कि लोग सोचते हैं कि 6 महीने या 3 महीने की जीके होगी जैसे बैंक में पढ़ते हो। 2016 में उनके लिए करंट का मतलब 2004 भी हो सकता है, 1998 भी करंट हो सकता है। इस तरह की बातें भी कई बार पूछी गई है, और इसके लिए मेंटली तैयार हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस कीजिए। हु रोट द वर्क व्हाई सोशलिज्म, अगेन थ्योरी पे ही है, थ्योरी फेमस थ्योरी है उसके ऊपर। इकोनॉमी एक एज पर द ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994, ए गुड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए रीजन विद स्पेसिफिक करेक्टर क्वालिटी रेपुटेशन इज कवर्ड टू बी प्रोटेक्टेड अंडर द आईपीआर। अब आईपीआर पॉलिसी भी आई है हाल फिलहाल में, आईपीआर के ऊपर क्वेश्चन है वो आए हैं पीछे, जैसे कि यह है तो आईपीआर आप टॉपिक हमने कवर किया है, हमने टॉपिक के रूप में इसको बना दिया है। गोल्ड इज मेनली रिलेटेड टू गोल्ड किस एक्सटर्नल जो इकोनॉमिक्स होगी या बोल सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है, वहां इस क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड इसका रेफरेंस है, तो एक्सटर्नल सेक्टर वहां से भी क्वेश्चन है पूछा गया है। फिर है बायलेटरल मोनोपोली रेफर टू द मार्केट सिचुएशन, मार्केट से क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट हु बिलीव्ड दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज इम्पॉसिबल एंड द मार्केट मैकेनिज्म हैज ए बिल्ट इन रेगुलेटरी सिस्टम टू मीट एनी अप्स एंड डाउन। ये भी क्वेश्चन है, वो थ्योरी से रिलेटेड है, सो अलग अलग एडम स्मिथ की थ्योरी है, जेम केन्स की थ्योरी है, वो एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। जो वो माइक्रो से नहीं पूछता तो मैक्रो में पूछते हैं, तो वहां पे जाती है बात। इन विच टैक्स वाज कंस्टिट्यूटेड स्टेटस गिवन मच लेटर आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन विद ए स्मॉल वे इन 94-95। एक क्वेश्चन आता है कि एसएससी टैक्सेस पे कितने क्वेश्चन पूछती होगी, देखने में ऐसे लग रहा होगा टैक्सेस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टैक्सन पे पूछा है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में पूछा है क्वेश्चन, तो इसलिए आपको बहुत ग्रेट डिटेल में चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। टैक्सेस सिंपल आप जानकर रखने से ही काफी होगा। स्टैगफ्लेशन रेफर टू, ये सीधा क्वेश्चन इन्फ्लेशन से है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन का संबंध। उसके बाद डिमांड ऑफ नेसेसिटीज, माइक्रो इकोनॉमिक डिमांड पे क्वेश्चन आया अगेन। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, एक्सटर्नल इकोनॉमी से रिलेटेड है, एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड है। ये जो एक्सटर्नल वाली चीजें हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस टू की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर जो लास्ट का चैप्टर है एक्सटर्नल सेक्टर, वो सारे क्वेश्चन है वो कवर कर रहा है, वो चैप्टर पढ़ने से लगभग सारे कवर हो रहे हैं। फिर है वैल्यू एडेड मीन्स वैल्यू ऑफ, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया क्वेश्चन, जो चैप्टर है एनसीईआरटी का मैक्रो इकोनॉमिक्स गुड्स से रिलेटेड है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, वो सारे नेशनल इनकम नेशनल इनकम वाले चैप्टर में आपको सारी चीजें मिलेगी। डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी इक्वल, ये भी नेशनल इनकम वाले चैप्टर से, तो आप बोल सकते हैं कि एक ही चैप्टर से कई बार ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन। आप बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्टली तो अगर मैं यह नहीं बोलूं स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया, लेकिन काफी हद तक फॉलो किया गया। हाउ मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका आर द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, जब आप इंस्टीट्यूशन करेंगे तो ये क्वेश्चन वहां पे बन रहा है। फिर इंस्टीट्यूशन से एक और फोर्टीन फाइनल कमीशन, ये एसएससी का फाइनेंस कमीशन है, वो चेयरमैन कौन है, ये फेवरेट क्वेश्चन में से होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शोज द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट, आप बोल सकते हैं कि जब नेशनल इनकम वाला चैप्टर करते हैं, मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड भी चैप्टर वो कर रहे हैं, तो उसमें कहीं कहीं ये चैप्टर कवर होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। उसके अलावा क्या कि आपको थोड़ा और सर्च करना पड़ेगा गूगल से, विकिपीडिया से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और उनके इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, कंजप्शन से रिलेटेड है, ये थोड़ा और रिसर्च करने की आवश्यकता है। आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर प्राइसिंग, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, जैसे मैंने बताया कि जो इकोनॉमिक्स से आता है, यहां पे कॉमन सेंस से रिलेटेड ज्यादा चीज पूछी गई है इस क्वेश्चन में। अगर आप पूरे इसको क्वेश्चन को डिटेल देखेंगे तो, इफ ए गुड हैज ए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज रेटेड इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ, ये डिमांड सप्लाई से रिलेटेड है क्वेश्चन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जब कॉस्ट से रिलेटेड आप चैप्टर बोल सकते हैं, कॉस्ट में ही एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इकोनॉमी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया, तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन एसएससी में।
सोशल अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू, थोड़ा हटकर क्वेश्चन, फोर्स सेविंग रेफर टू इकोनॉमिक सेविंग, सिलेक्टेड क्वेश्चन सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है इस पर थोड़ा स्ट्रिक्टली आपको इम्पैक्ट से रिलेटेड और डिटेल में करने की आवश्यकता है। एसएससी इसके ऊपर काफी ज्यादा जोर लगा रही है। डिमांड ऑफ लेबर इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेविंग ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग से रिलेटेड अगेन क्वेश्चन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ए फीचर ऑफ मार्केट से रिलेटेड माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे हमने पहले बार बार जिक्र करें, जहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स आ रहा है मार्केट से रिलेटेड, इफ द इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन द इंक्रीज इन सप्लाई द प्राइस विल, प्राइस में क्या होगा, तो डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिमांड है, प्राइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, कंज्यूमर आर लाइकली टू गेट अ वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर, ये भी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमी लार्जली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जब आप पूरा इसको पढ़ेंगे तो जब ऑप्शन पढ़ेंगे क्वेश्चन तो इतना ही ऑप्शन में आपको ज्यादा क्लैरिटी होती है। नॉट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज रिलेटेड टू, इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, फिशिंग से रिलेटेड ये पूछा गया है क्वेश्चन थोड़ा सा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कई एग्जाम में ये आता है और एसएससी भी देखो यहीं पे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन पूछ रहा है। आमतौर पे जो कॉमर्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट कर रहे हैं भी एनसीईआरटी, वहां पे बिजनेस स्टडी की जो एनसीईआरटी है वहां पे ये एक चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, वहां पे देख सकते हैं आप, वरना हर किताब में ये मिल जाएगा आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, इंटरनेट पे आपको जानकारी ज्यादा मिलेगी। इंडिया एक्सपोर्ट पावर टू इकोनॉमी एक्सटर्नल, इंडियन एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड, एवरेज प्रोसिबिलिटी टू कंज्यूम इज डिफाइंड एज एपीसी, एपीसी आप जब इंटरनेट पे गूगल में सर्च मारेंगे एपीसी के ऊपर काफी टॉपिक निकलेंगे आपको, इस पे एसएससी ने पिछले एक दो साल में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे, स्पेशली जो इनका इनकम और कंजप्शन का जो रेशियो होगा उसके ऊपर। इफ द शॉर्ट टर्म इफ ए कॉम्पिटिटिव फर्म इन कट्स लॉसिस, प्रोडक्शन का जो चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वहां पे क्वेश्चन है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑलवेज होल्ड ट्रू, कोई सिचुएशन दी हुई है उस पर क्वेश्चन है लेकिन वो इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं कि 50 द कैनेशियन कंजप्शन फंक्शन शोज ए रिलेशन बिटवीन इकोनॉमी इनकम और कैनेशियन पे काफी क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं तो इसलिए कैनेशियन को आप थोड़ा ध्यान देखिए। जेम केन्स मॉडल, जेम केन्स बहुत ही फेमस, जिन्होंने मिक्स इकोनॉमिक वकालत की, सरकार का इंटरवेंशन की वकालत की, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको इस थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर शॉर्ट पीरियड व्हेन इनकम राइजेस एवरेज प्रोसिबिलिटी टू कंज्यूम यूजुअली एपीसी पे क्वेश्चन अगेन, मैंने आपको पहले बताया कि एपीसी पे ध्यान दे रही है एसएससी। ए यूनिट प्राइस इलास्टिक डिमांड कर्व विल टच, डिमांड पे क्वेश्चन है ये, डिमांड और प्राइस पे क्या इंपैक्ट, डिमांड का जो विभिन्न फंक्शंस है उसके ऊपर क्वेश्चन। इफ द सप्लाई कर्व इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट अक्रूज टू रेंट से रिलेटेड फैक्टर्स, जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स है उसमें अब जो नई थ्योरी है उसमें क्या बोला जा रहा है, रेंट को किस फैक्टर के रूप में काउंट किया जा रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। द बुक विच इज ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आप पहले चैप्टर पढ़िए मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उस जब ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल अकाउंटिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज मिलेगी। द बुक विच इज एट सेंटर पीस ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज रिटन बाय, ये किताब कुछ, जैसे मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन किताबों पे आ सकते हैं कि ये किताब किसने लिखी, तो जो एडम स्मिथ की किताबें हैं या फिर जेम केन्स की किताबें हैं, रिकार्डो की किताबें, कुछ एक कम से कम 7-10 किताबें आपको जो मेन किताबें इकोनॉमिक्स उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आमतौर पे वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिक प्रोग्राम स्टडी, और ये किताबें उस वो किताबें नहीं है जैसे बैंकिंग में आती है आमतौर पे, हालांकि ये जो सारी चीजें टॉपिक मैं बता रहा हूं और बैंक वो अपना नया सिलेबस डिफाइन कर रहे हैं जिसमें कि मार्केटिंग हटा दी है, जैसे एसबीआई पीओ ने हटाई है,
और उसमें इकोनॉमिक्स रखी गई है, तो ये सिलेबस अब ज्यादा रेलेवेंट एसएससी वाला वो बैंकिंग के लिए हो गया है, क्योंकि मार्केटिंग वहां से गायब हो गई है, तो वहां पे सीधा टॉपिक लिख दिया गया इकोनॉमिक्स से लेकर। तो आप तो इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज प्रीवियसली नोन एज, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो बैंक का जिक्र आ रहा था एसबीआई का, एसबीआई का जिक्र आ गया। उसके बाद बिजनेस इन स्टॉक मार्केट एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटेड, सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन, रेगुलेटरी बॉडी है उसके ऊपर जो आईआरडी है, आरबीआई है या फिर पीएफआईआरडी है या फिर ये सेबी है सर और या फिर ट्राई है, इन सभी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत डिटेल में जानकारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रीजनेबल जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि डिटेल में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर, सिंपल क्वेश्चन, लिबरलिज्म से रिलेटेड है, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर आता है 61 क्वेश्चन है, देखते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वाज प्रपाउंडेड बाय, ये फेमस जो थ्योरी मैंने बताई थी उसमें से एक थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉस्ट सिलेक्टेड चैप्टर आ गया। वन रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, एक रुपए नोट के ऊपर किसके साइन होते हैं, क्योंकि एक रुपए के नोट के ऊपर थोड़ा डिफरेंट साइन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के साइन नहीं होते। आप देखना इस चैप्टर में किसके साइन होते हैं, आंसर बताना यहाँ पर मकसद नहीं है, सिर्फ पैटर्न बताना मकसद है यहाँ पे। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट इज द सेम एज इकोनॉमी नेट प्रॉफिट, एक जो आपको बैलेंस शीट है उसके बारे में मोटे तौर पे सरसरी तौर पे नजर लगानी पड़ेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, सारी चीजें अगर एक बार देख लिया जाए तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स को समझने में हेल्प मिलेगी। और एक दो क्वेश्चन जो 75 क्वेश्चन में से आए हैं वो कॉमन सेंस पे इस लिहाज से भी आए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, इजी, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। उठाकर देखेंगे तो इस जो एक्सटर्नल इकोनॉमी उस चैप्टर में सब कुछ है। वेर इनकम इंक्रीज कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीज, इनकम इंक्रीज कंजप्शन, तो ये इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो अप्रोच, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ब्रॉडर तौर पे भी दो तीन क्वेश्चन है वो इस मुद्दे पे भी आए हैं, ब्रांचेस पे भी आए हैं, लेकिन ये ब्रांचेस की बजाय दो अप्रोच है उस पर भी क्वेश्चन आए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, फिर इंस्टीट्यूशन पे एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। फिर आता है इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट इज डिटरमाइंड बाय द माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्राइसिंग से रिलेटेड। इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट मैक्रो अप्रोच, माइक्रो मैक्रो दो क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था मोटे तौर पे, ब्रांचेस के बारे में भी, इंटरनल इकोनॉमी ब्रांचेस, इंटरनल इकोनॉमी क्या होती है, ब्रांचेस बोल सकते हैं उस पर क्वेश्चन इकोनॉमी के। वन ऑफ द फीचर ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, अगेन इकोनॉमी टाइप ऑफ इकोनॉमी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ इकोनॉमी है फ्री इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये अलग अलग एस्पेक्ट है, सोशलिज्म है या जितने भी एस्पेक्ट है आप उसको जरूर स्टडी कीजिए, उस पर एक बार क्वेश्चन आने की संभावना हमने देखा कि यहाँ पे काफी है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन, नेशनल इनकम पे क्वेश्चन, तो अब हम देखते हैं 75 क्वेश्चन हमने कर लिया और देख लिया कि क्वेश्चन को टॉपिक क्या है, क्वेश्चन का टॉपिक क्या है और क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जा रहा है। अभी तक आपने ये जरूर समझ लिया होगा कि दिशा क्या है। अगर हम यह है सिलेबस, तो 75 क्वेश्चन या लास्ट ईयर के जो 13 लास्ट 3 इयर्स के 13 पेपर्स के आधार पर जो सिलेबस डेवलप किया है, जो हमने इन टॉपिक्स को जो पीछे दिए गए थे टॉपिक्स क्वेश्चन वाइज उसको फिर अब सिलेबस में कन्वर्ट कर दिया है और इसी के अनुसार 30 प्रेजेंटेशन होगी इकोनॉमिक्स की, वीडियो लेक्चर्स होंगे 30 इकोनॉमिक्स के, और उनकी पीडीएफ, हर वीडियो लेक्चर की पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल कराई जाएगी जो स्टूडेंट इसके ऑनलाइन कोचिंग बैच के हिस्सा होंगे। तो पहला टॉपिक है माइक्रो वर्सेस मैक्रो और इकोनॉमिक्स टाइप्स, कितने टाइप की इकोनॉमिक्स इकोनॉमी है वो होती है, सोशलिज्म से लेकर मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, हर तरह की जो इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सारे इसके टॉपिक बन रहे हैं। फेमस थ्योरी कौन कौन सी है, नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, रेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, गुड्स जो बीच में काफी जिक्र आया था, गुड्स रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड जब जिक्र कर रहे थे उसमें इसका हिस्सा भी होगा।
इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग की जिक्र काफी आया था, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर का भी जिक्र आया था, टैक्सेस से रिलेटेड चैप्टर होगा, इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी प्रेजेंटेशन होगी, सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर ट्रेजरी बैंकिंग से रिलेटेड होगा, एक्सटर्नल सेक्टर जो इंटरनेशनल करेंसी वगैरह होगी फॉरन करेंसी उसके बारे में जानकारी होगी, लिबरलाइजेशन या लिबरलिज्म जो ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन उसके ऊपर भी चैप्टर होगा, SEZ जो जोन्स होते हैं डिफरेंट जोन्स उसके ऊपर चैप्टर होगा, पेटेंट्स IPR जो पॉलिसी है पॉलिसी हो गवर्नमेंट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसके ऊपर, सोशल अकाउंटिंग सिस्टम पे चैप्टर होगा प्रेजेंटेशन होगी, इंटरनल इकोनॉमी पे नेट प्रॉफिट जो बैलेंस शीट है उससे रिलेटेड प्रॉफिट ग्रोथ प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होते हैं सब, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा, कंज्यूमर एक्ट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस बहुत क्वेश्चन आए थे इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड उसके ऊपर होगा, बुक्स इकोनॉमिक्स की फेमस बुक कौन सी है जो कि हाल ही जो आमतौर पर SSC में आती है, डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कुछ कोर्स होते हैं या महत्वपूर्ण डेफिनेशन होती है वो क्या होती है वो कौन सी होगी वो हम जानकारी लेंगे, डिमांड पे हमने देखा वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कॉस्ट प्रोडक्शन प्राइसिंग मार्केट मार्केट पे भी दूसरे नंबर पे डिमांड के बाद क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से 30 जो चैप्टर है वो आइडेंटिफाई किए बेस्ड ऑन द रिसर्च और रिसर्च आपके सामने हमने किए, तो वो सारे लेक्चर इसके अंतर्गत कवर होंगे 30 लेक्चर्स के अंतर्गत। तो ये था सिलेबस के बारे में जानकारी। अब हमने सारे टॉपिक देख लिए कि किस तरह के टॉपिक होगी क्या सिलेबस है सब कुछ हमने जानकारी ले ली। अब जो हमारी एक्शन प्लान क्या होनी चाहिए अगर एज ए पिनेकल की मैं बताऊं आप अपने अपने बना सकते हैं लेकिन अगर आप पिनेकल के साथ में चलना चाहते हैं तो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 30 लेक्चर्स का इसका पूरा शेड्यूल होगा इकोनॉमिक्स पे 30 लेक्चर्स होंगे। लेक्चर्स की ड्यूरेशन हो सकती है 10 मिनट से लेकर हो सकती है 30 मिनट हो 40 मिनट हो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ लेक्चर क्या है। कवरिंग इन 2.5 मंथ्स देखो हर रोज इतना टाइम नहीं हो सकता कि इसी पे ही क्वेश्चन लेक्चर बनाया जाए क्योंकि एक्सट्रीमली हमारे और बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं अलग अलग तरह की सीरीज चल रही है तो उसके हिसाब से और आपको भी ये एकदम पढ़ने के बजाय टुकड़ों में पढ़ने से ही फायदा है ताकि आप सारे चीजें वो भूल न जाए बाकी चीजें लगातार इसका एक हिस्सा बनाइए इसका। तो ये लगभग एग्जाम से पहले आपका कवर होगा इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट 10-15 लेक्चर्स पर मंथ इसको होगा ये 10-15 लेक्चर्स कवरिंग ऑल टॉपिक वीडियो PDF। इसमें एक चीज होगी कि आपको ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि जो कवरेज है कंप्लीट होगी इसमें और कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है वीडियो लेक्चर भी होंगे साथ में PDF फाइल होगी जिससे कि आप उसको समझ पाओ और उस वीडियो लेक्चर की ही फाइल होगी PDF फाइल क्योंकि जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं ज्यादातर पिनेकल में वो आपने देखा होगा कि वो सीधी डायरेक्ट PDF में कन्वर्ट हो सकती है उस हिसाब से ज्यादा बनाते हैं बहुत ज्यादा बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन सेंटेंस के अंदर जिससे कि कोई लेक्चर ना देखना चाहे वीडियो वो PDF देखकर भी सारी चीज समझ पाए ये एजेंडा होता है पीछे इसके। उसके बाद ज्वाइन SSC CGL ऑनलाइन कोचिंग बैच और हार्ड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारी ये वेबसाइट इस पे जाएंगे www.ssccgl.com वहां पे 80 प्रोडक्ट्स है अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक्स का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वहां पे कर सकते हैं। फ्यू लेक्चर्स ही आपको पब्लिक डोमेन में नजर आएंगे ज्यादा लेक्चर आपको डोमेन में नहीं नजर आएंगे 30 नहीं नजर आएंगे 2-4 लेक्चर आपको आ सकते हैं जैसे आपने EDM फ्रेंचाइजी या बाकी देखे होंगे बाकी आपको प्राइवेट नजर आएंगे या आपको इस पे नजर नहीं आएंगे बिल्कुल भी। तो अगर फुल कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसका फायदा उठा सकते हैं वरना जो मैंने आपको बताया है वो भी आप पढ़ लेंगे तो भी काफी हद तक आप अपना काम चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन उम्मीद करता हूं आपको इससे काफी ज्यादा इनपुट मिला होगा सिलेबस डिफाइन हुआ होगा माइंड में क्लैरिटी आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन ऑल द बेस्ट।